अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान टीम में शामिल ना करने पर दुश्मन भी बोल पड़े। आइए इस वीडियो के अंदर आप दोस्तों को बताने वाला हूं। इंडिया क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शाहरुख गांगुली ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल ना करने पर। आइए दोस्तों मुकम्मल तफसील आप दोस्तों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। दोस्तों पाकिस्तान टीम के सच्चे और पक्के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर ऑल पर लाजमी क्लिक कर देना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और आप दोस्तों को बताते हैं इस हवाले से मुकम्मल तफसील। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि T20 वर्ल्ड कप 2021 में पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से इंडिया क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शाहरुख गांगुली ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। शाहरुख गांगुली ने कहा कि मोहम्मद आमिर को T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लाजमी मौका देना चाहिए था, क्योंकि मोहम्मद आमिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बहुत ही अच्छे फास्ट बॉलर हैं और बहुत ही अच्छा अहम किरदार अदा करेंगे। PCB ने उसके साथ धोखा किया है, तो T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए उस पर तवज्जो दे कि उसे लाजमी शामिल किया जाता, क्योंकि उसने कहा कि बहुत दिन हो चुके हैं उसे क्रिकेट नहीं खेली, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उसे लाजमी वापस लाओ। आप भी एक प्यारा सा कमेंट से लाजमी करो, क्योंकि वो कहते हैं कि हर खिलाड़ी के साथ इंसाफ होना चाहिए, उसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा।